दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मीडिया पर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे। हम सब ये बात तो जानते हैं कि दुनिया भर में मीडिया आउटलेट्स बिक चुके हैं। बहुत ही क्राफ्टेड पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं जो मीडिया हाउसेज चलाते हैं, बिकाऊ हैं और बिल्कुल ही पालतू हो चुके हैं। अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की कही हुई बात पूरी तरह से मानते हैं। एक झटके में बड़े बड़े मीडिया हाउसेज को खरीद लिया जाता है और उसको बेअसर बना दिया जाता है। यही प्रोसेस कई दिनों से दुनिया भर में चल रहा है दोस्तों। लेकिन एक और बात है जो हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज का वीडियो उसी बात पर है। देखिए, जो कुछ भी आज वो बची है वो आज़ाद मीडिया की वजह से है। सोशल मीडिया और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ऐसी स्पेस दी है जहाँ पर जर्नलिस्ट अपने रिसर्च और अपनी आवाज़ को सुना सके, वो बात कर सके, पावर के सामने सवाल खड़ा कर सके। The question, sir, was what did you want President Zelensky to do about Vice President Biden and his son Hunter? Are you talking to me? Did you hear me? Yes, ask him a question. I will, but I've given you a long answer. Ask this gentleman a question. Don't be rude. लेकिन ये सब भी at stake है और इसकी वजह को समझना बहुत ही important है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे पूरा का पूरा मीडिया लैंडस्केप चेंज हो चुका है, कैसे इस बदलते हुए लैंडस्केप में न्यूज़ क्रिएट की जाती है, न्यूज़ बनाई जाती है, न्यूज़ रिसर्च की जाती है और लाकर हर रात हर दिन अपने व्यूअर्स को परोसी जाती है। दोस्तों पहले ये होता था कि मीडिया हाउसेस के सोर्सेस होते थे, ये सोर्सेस बात करते थे और कनेक्ट करते थे अपने कॉन्टैक्ट से, अपडेट लेते थे अपने करस्पॉन्डेंट से। न्यूज़ एजेंसी जो ग्राउंड रियलिटी को कनेक्ट करती थी वहाँ से न्यूज़ आया करती थी। लेकिन आज जो स्टोरी बदली है वो बिल्कुल अलग है। अब टूल्स बदल गए हैं और बात को मालूम करने के लिए कि लोग अब क्या सोच रहे हैं, लोगों के दिमागों में क्या चल रहा है और क्या सोशल ट्रेंड्स चल रहे हैं, इसके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है। नए टूल्स यूज़ किए जाते हैं जो आज मीडिया हाउसेस को सर्व करते हैं। इन टूल्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठाकर देख लीजिए दोस्तों, किसी एक दिन के न्यूज़पेपर को उठाइए, इंग्लिश न्यूज़पेपर को उठाइए और फिर रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर को उठाइए, हिंदी का न्यूज़पेपर उठाइए, मराठी का उठाइए, गुजराती का उठाइए, तमिल का उठाइए, तेलुगु का उठाइए और इंग्लिश का उठाइए। मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया से लेकर रीजनल जो कुछ भी रिसोर्स है वो ऑनलाइन अवेलेबल चीज़ों से लिया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। आज ये नए टूल्स डिटरमिन किए गए हैं जो बहुत ज़्यादा AI की भी मदद लेते हैं। एक पहला और इम्पॉर्टेंट टूल हम डिस्कस करेंगे जिसको मीडिया हाउसेज इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है डाटा माइनर। डाटा माइनर एक रियल टाइम AI प्लेटफॉर्म है। दोस्तों जानते हैं इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि सबसे पहले सिग्नल्स डिटेक्ट करता है। किस चीज़ के डिटेक्ट करता है? हाई इम्पैक्ट इवेंट्स के और इमर्जिंग रिस्क फ्रॉम विथ पब्लिकली अवेलेबल डाटा। यानी अगर कहीं पर कोई चीज़ होती है तो वो सोशल मीडिया पर आती है। जैसे ही सोशल मीडिया पर आती है तो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स उसको वायरल करते हैं। किसी भी चीज़ की वायरलिटी से ये डाटा माइनर प्लेटफॉर्म और उसका AI ये बताता है कि वायरल ट्रेंड अचानक से ये हो चुका है। ये जहाँ तक कि कोई नेचुरल आपदा है, अर्थक्वेक है, कोई प्लेन क्रैश है या कोई ट्रेन का हादसा है या कहीं पर कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट है, वहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। लेकिन कई मरतबा ये एल्गोरिथम्स सोशल मीडिया जनरेटेड होते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हैं और कई बार ये मिसलीडिंग होते हैं, कई बार ये फेक न्यूज़ का ज़रिया बनते हैं, कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बताए जाते हैं जो फेक वीडियोस के ज़रिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाए जाते हैं। जब सोशल मीडिया पर कोई चीज़ ट्रेंड करती है फेक वीडियोस के ज़रिए में, तो वो एल्गोरिथम उसको बूस्ट करता है, वो लोग उसको शेयर करते हैं और एल्गोरिथम उसको वायरल करता है। इसी वजह से दोस्तों हम ये देखते हैं कि आज कई सारे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंक्लूडिंग सम ऑफ द बिग नेम्स इन इंटरनेशनल मीडिया, वो फेक न्यूज़ को शेयर कर देते हैं। उनके ट्विटर हैंडल पर फेक न्यूज़ शेयर हो जाती है और बाद में उसको डिलीट कर दिया जाता है। आप कुछ एग्जांपल्स को देखिए। अगला इम्पॉर्टेंट टूल जो ये इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है स्प्रेडफास्ट या क्राउडटैंगल, अ टूल फ्रॉम मेटा। यानी ये जो क्राउडटैंगल का टूल है ये डायरेक्टली दोस्तों मेटा से आया है, यानी फेसबुक से आया है। ये आपको हेल्प करेगा टू फॉलो, एनालाइज एंड रिपोर्ट व्हाट्स हैपनिंग अक्रॉस द सोशल मीडिया। अब देखिए, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन देखिए कि क्राउडटैंगल कैसे मीडिया और न्यूज़ एजेंसीज को गवर्न करता है।
क्राउड टैंगल गवर्न करता है, इसका मतलब मेटा करता है, यानी कि फेसबुक करता है। रिसेंटली क्राउड टैंगल ने ग्रांट फॉर न्यूज रूम्स को अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया डेवलप किया है, और ये ग्रांट उसने दी है ताकि वो उनके जर्नलिस्ट की डेटा स्किल्स को डेवलप कर सके थ्रू फंडेड प्रोजेक्ट्स। अब ये फंडेड प्रोजेक्ट्स के थ्रू फेसबुक इन जर्नलिस्ट को सिखाएगा और सिखाकर एक नई दुनिया में लेकर जाएगा, एक ऐसी दुनिया जिसको न्यूज वो खुद फीड करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट टूल है ट्वीट डेक या एक्स प्रो। ये पावरफुल रियल टाइम टूल है दोस्तों, जो एक्स या ट्विटर को मॉनिटर करता है। ट्विटर पर मॉनिटर की जाते हैं मल्टीपल टाइमलाइंस ऑन अ सिंगल स्क्रीन। ये ट्रैक करता है, ऑर्गेनाइज करता है कंटेंट को, और ये आपकी इंगेजमेंट विद द कम्युनिटीज को रियल टाइम टेस्ट करता है। ये ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं दोस्तों जो मेटा या ट्विटर या एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने न्यूज जनरेट करने के लिए, न्यूज को बनाने के लिए बनाए हैं। अब ट्रेडिशनल सोर्सेज की तरह न्यूज जनरेट नहीं की जाएगी। अब रिपोर्टर्स अपने कैबिन्स में बैठेंगे, इंटरनेट कनेक्शन से अपने डिवाइस से कनेक्ट होंगे और सोशल मीडिया उनको न्यूज ला कर देगा। ये उस बात से भी ज्यादा डेंजरस है कि आप किसी पॉलिटिकल मास्टर के बिकाऊ हैं। यहाँ मीडिया एक बड़े सोशल मीडिया के ट्रैप में है। अगर आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे तो इससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इन्हीं ट्रेंड्स को एक ऑथर और रिसर्चर ने डीपली स्टडी किया। उनका नाम है वेनेसा ओटेरो। वेनेसा ओटेरो ने मीडिया को स्टडी किया और देखा कि क्या काम और कैसे ये काम करते हैं और हम पर इसका कैसा असर होता है। दोस्तों हम पर मीडिया का क्या असर है इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। उनकी रिसर्च में एक चार्ट निकल कर आया, वो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। वो चार्ट ने मीडिया के सामने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। वो कहती हैं कि जो जो सोर्सेस हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें बहुत ज़्यादा एंग्री और बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड करते जा रहे हैं, मतलब हमारे अंदर वो गुस्सा, भड़काऊपन और नफरत को भर रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। और ये चार्ट में उन्होंने बहुत ही डिटेल इसकी प्रोफाइलिंग की है, और उसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह सोशल मीडिया से ली गई न्यूज़ है। And for political bias, looking at various factors that place it from left to right, whether that be political position, the language that's used to characterize opponents and issues, and comparison metrics like omission and topic selection. What it fundamentally comes down to is what we're doing is looking with real human analysts at individual articles, individual episodes, and we're not just doing opinion polling. We're not asking people, you know, do you trust Fox News or do you trust MSNBC? Because the answers to those questions will typically tell you more about the viewer or listener than it will tell you about the show from a more holistic point of view. ये चार्ट में आप देखेंगे कि एक वर्टिकल एक्सिस है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। टॉप पर जो मीडिया आता है, यानी वर्टिकल एक्सिस के टॉप पर जो मीडिया आता है वो बहुत ही ट्रस्टेड मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन इसी चार्ट में वर्टिकल एक्सिस पर जो मीडिया बहुत नीचे आते हैं वो बहुत ही ट्रस्ट के मामले में बहुत ही लो हैं। मतलब यहाँ पर प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, यहाँ प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ धड़ल्ले से बिकती है, बिकाई जाती है और लोगों को कॉन्स्पिरेसी थियरीज बेची जाती हैं। हॉरिजॉन्टल स्केल एक पॉलिटिकल स्केल है। हॉरिजॉन्टल स्केल में राइट टू लेफ्ट एक्सट्रीम व्यूज पाए जाते हैं, यानी लेफ्ट एक्सट्रीम व्यूज पर कौन से चैनल्स हैं और राइट एक्सट्रीम व्यूज पर कौन से चैनल हैं। ब्राइटबार्ट और वॉनकीट ये आपको पॉलिटिकली एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट के पोलराइज स्पेक्ट्रम्स पे दिखाई देंगे। द सेम रेडिकल जिहादिस्ट इस्लामिस्ट टेररिस्ट थिंकिंग दैट Israel is a victim of, we are a victim of as well. It's just that we have had a very strong government. Israel is fighting this war on behalf of all of us. Israel is fighting this war for you and me. दोस्तों यही वजह है कि मीडिया दुनिया भर में आज एक सीरियस कंसर्न है। मीडिया में न्यूज किस तरह से जनरेट की जाती है, न्यूज को किस तरह से ऑथेंटिक रखा जाता है। अगर आप पॉलिटिकली पोलराइज स्पेक्ट्रम पर भी न्यूज डालते हैं तो उसको डालने का एक सलीका होता है, लेकिन जब ये सलीका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो हम अपने आप को प्रॉफिट कमाने वाली इन सोशल मीडिया कंपनीज के हवाले कर देते हैं। उनको हमारे इमोशंस और सोशल स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनको बस मुनाफा कमाना है। और ये बहुत ही डेंजरस फिनोमेना है कि आपकी न्यूज़ और न्यूज़ जनरेटिंग एजेंसीज ये सोशल मीडिया के गुलाम हो जाएं।
दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन सो दैट यू आर नोटिफाइड वेन एवर वी कम अप विथ अ न्यू वीडियो। होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।